हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर्स ऐसे दिए रहे हैं, तो आपको एक एक करके उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, देखो यहाँ पर 32 दिया गया है। मैं एक छोटा नंबर लेके आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ। 2 का स्क्वायर 2 × 2, मतलब ये जो नंबर है ना उसी का स्क्वायर ये है, तो दो बार उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 × 4, बस इसी को देखो, ये नंबर हमको गिवन है। तो 30 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 32 × 32, इसको इरेज कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है, मतलब ये नंबर है हमारा 32, तो 32 × 32 आप रॉक में ऐसे निकाल के आंसर लिख सकते हो, पर आपको ये दिखाना भी है। आप रफ में निकालो या ऐसे नोट डाउन करो, मतलब आपके जो नोटबुक में वैसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये जो 32 × 32 के जगह हमारा एक आंसर आ जाएगा। और एक मतलब फॉर्मूला है, जैसे कि ये जो 32 है ना, हम लिखेंगे कैसे, 30 + 2, करेक्ट। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। आप आगे जाके इसी के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, अभी के लिए आपको जानना है a + b² = a + b² = 2a² + b² + 2ab। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, a हमारा 30 है, b हमारा 2 है, क्योंकि 32 को हमने डिवाइड ऐसे किए हैं, ठीक है। तो 30² + b² (2² + 2 × 30 हमारा a है, a के जगह b के जगह आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। बस आप ये टू में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 2 यहां पर ये 2 है, ठीक है, क्योंकि b हमारा 2 भी है, ओके। पर हमेशा आपको ये 2 रहेगा, 2ab में 2 रहेगा। तो 30 स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 900। नेक्स्ट ये 4 और ये 4 3 जा 1, ये हमारा 120 आ जाएगा। इसको हम टोटल प्लस कर देंगे, 1024 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब 32 × 32 को मल्टीप्लाई करके भी देखो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, प्लस करेंगे 2 × 1 आ गया आंसर हमारा। मतलब अब ऐसे भी करो कैसे भी करो, आपको आंसर आएगा। पर आप पे बुक में इसी फॉर्मूले के थ्रू करना है, इसलिए मैंने आपको इसी तरह समझाया है। तो नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 35 × 35 भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप कैसे करोगे, 30 + 5 को ऐसे डिवाइड करके, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 30 + a + b में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो a + b आ गया, a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2 × a × b, बी हमारा क्या कितना, 5। अभी 30² हमारा 900 + 25, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे वो कितना आ जाएगा हमारा, 300, और इसी को ऐड कर लेंगे टोटल, ये 5 2 1 1 2 2 5, ये हो गया हमारा आंसर। आप 35 × 35 भी निकाल सकते हो। फाइव 1 2 2 5 आ गया हमारा आंसर। आप कैसे भी करो आपका आंसर आएगा, पर आपको ये जो आपके नोटबुक में और एग्जाम में आपको इसी तरह a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ऐसे आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में 86 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम 80 को डिवाइड करेंगे, 80 + 6 a + b में, a + b का होल स्क्वायर, देन 80² हो गया, 6² हो गया, 2 × 80 × 6, तो 80² हमारा 6400 प्लस 6² 36 प्लस 160 × 6 हमारा कितना आ जाएगा, 960, ठीक है। तो इसको हम टोटल ऐड कर लेंगे, ये आ गया 6 9
7396 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 93 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है, देन 71 का स्क्वायर बोला गया है, देन ये 46 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये तीनों आप निकाल के, खुद से निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, ठीक है। क्वेश्चन में आपको और भी नंबर दिए गए हैं, तो फर्स्ट हमने 6 लिया है, और नेक्स्ट आपको समझना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। फॉर एनी नेचुरल नंबर एम ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से वो ग्रेटर देन होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना भी चाहिए, वी हैव 2m² प्लस m² माइनस 1² इज इक्वल टू m² प्लस 1 होल स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला आपको ही यूज करना है। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि h² इज इक्वल टू b² प्लस a², वहां पर बेस b² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो इसका जो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, और ये बेस है, ये हाइट है, तो b² a² हाइपोटेनस स्क्वायर होता था। सेम टू सेम यहाँ पर 2m² m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमको लेना क्या है, ये तो होल स्क्वायर में हो गया, पर लेना आपको है 2m, ठीक है। मतलब ये जो बीच का जो नंबर है, आप इसको a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, ठीक है, पर आपके बुक में ऐसे दिए गए हैं 2m का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, गिवन दिया गया है, तो 2m हमारा एक नंबर है, और b m² माइनस 1 हमको लेना है, c m² प्लस 1 लेना है। वो कैसे लेना है हम आगे जाके समझेंगे। तो ये जो तीनों है a b c आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो उसी में से एक नंबर हमको गिवन है, ए बी सी में एक नंबर गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है, हमको लेना क्या है, तो मैं और एक बार इसको यहाँ पर लिख के आपको समझाती हूँ। ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि फर्स्ट हमको 6 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या 6 दिया गया है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2m, अगर 2m इज इक्वल टू 6 लेंगे, तो m इज इक्वल टू 6 बाय 2 3 आ जाएगा, 2 में 3 6 को कट कर लेंगे, जो कि m हमारा 3 आ गया। अगर m 3 आ गया तो m² माइनस 1 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो कि 9 माइनस 1 8 आ गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, m² प्लस 1, जो कि 3² प्लस 1 9 प्लस 1 10। तो वो ट्रिपलेट क्या क्या है, एक तो गिवन है 6 है, नेक्स्ट हमने निकाले 8 और थर्ड वन 10। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 6, एक गिवन था, देन 8 एंड देन 8, ये तीनों हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 14 नंबर गिवन है, मतलब 2m हमारा 14 है कि नहीं, एक नंबर गिवन, मतलब 2m तो एक नंबर है, हमने जिसी को a लिया था, तो m हम इसी में से ही निकाल देंगे, 14 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 7 है। तो नेक्स्ट हमारा m² माइनस 1, तो 7² माइनस 1, 7² 49 माइनस 1, जो कि 48 आ जाएगा। नेक्स्ट वन m² प्लस 1, ये हमने b लिया था, m² प्लस 1 को c लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 7² प्लस 1, जो कि 49 प्लस 1 50। तो ट्रिपलेट्स आर, एक तो गिवन हमारा 14, नेक्स्ट 48, नेक्स्ट 50, आंसर, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन हमारा क्या गिवन है, 16, इसी में से यहीं पर कर देते हैं, 2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू कितना, 16 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 8 आ गया, m हमारा 8 आ जाएगा। m हम क्यों निकालें, देखो 2m इज इक्वल टू हम 14 ले रहे हैं, क्योंकि एक नंबर हमको 14 दिया गया है, ठीक है, वो ट्रिपलेट्स में एक नंबर ये गिवन है। तो सेम टू सेम हमने m निकालने के बाद तो नंबर निकालेंगे, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, m² माइनस 1, जो कि 8² माइनस 1, 64 माइनस 1, 63 आ गया एक नंबर, m² प्लस 1, 8² प्लस 1, 64 प्लस 1, जो कि 65। देयरफॉर यहां पर भी देयरफॉर लगा देते हैं, ट्रिपलेट्स आर 16, 63, 65।
ओके नेक्स्ट फोर्थ वन 18 गिवन है तो 2m इज इक्वल टू 18 है m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 9 अगर m 9 आ गया तो m स्क्वायर माइनस 1 जो कि 9 स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 80 आ गया नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 82 आ गया देयरफॉर ट्रिपलेट्स आर एक तो 18 हमको गिवन था नेक्स्ट 80 नेक्स्ट 82 फाइनल आंसर ओके आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग